संकेत भी किया कि वो नहीं ये अलग विषय हो जाता है इत्यादि। उन्होंने ये भी चेष्टा की, क्योंकि हम किसी भी भाषण में ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो सब विवाद का या सब आगे के होने वाले विचार विमर्श का अंत उससे हो जाता है। और लोग आजकल लिखते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री इत्यादि इत्यादि, वो अलग विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ की जो मान्यता यही रही है कि वो परिवर्तनशीलता ये और उसी की। लेकिन जो मुख्य उनका जो मैं समझता हूँ कि यार जो जहाँ उन्होंने प्रारंभ किया कि हमारी एक ड्यूअलिटी या दुविधा या हमारी सिज़ोफ्रेनिया हमारी सोच में हमारे व्यवहार में है, कुछ दबाव है तरह तरह के, और जिसको उन्होंने संक्षेप में बताने की कोशिश की, और उनसे हम किस प्रकार से उभर सकते हैं ये एक हमारे लिए बहुत प्रश्न है। और इस प्रश्न का चूंकि हमने कोई समाधान नहीं निकाला और ये जटिल होता गया जबकि ब्रिटिश काल में या जब हम पराधीन थे, लेकिन स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भी हम उस जो जटिल प्रश्न था उसका समाधान करने की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, क्योंकि बहुत से उस विचारधारा के लोग थे कि केवल आज के आधुनिक समय में जो आधुनिकता को उन्होंने पर्यायवाची माना वेस्टर्नाइजेशन का, या वहाँ का व्यवहार, वहाँ का ज्ञान, वहाँ जिस प्रकार से जो कुछ हो रहा है वही ही एक आगे बढ़ने की प्रगति का एक सच्चा साधन है, ये एक मान्यता ये इस को लेकर वो चले। तो उसका फल यही हुआ कि जो हमारी मानसिकता पहले थी उसके ऊपर एक नई नई तहें उसी तरह की बनती गई। और उसके लिए कुछ लोगों ने जो प्रयास भी किया उसको तुरंत ये कहा गया कि ये समझ सकते सेकुलर नहीं है ये, और उसमें उसको इस बात की आलोचना की। और उसका एक सबसे पहला उदाहरण, कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा भाषण के संबंध में, ये भी आपने चूंकि केवल इसकी तरफ संकेत किया था, केवल एक ही बात, मौलाना आज़ाद ने जब वो शिक्षा मंत्री थे तो यहाँ पर जो एक यूनेस्को का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हम इस देश में ना हम एकता कायम कर सकते हैं, ना हम सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करते हैं जब तक कि हम हर धर्मों के बारे में की शिक्षा नहीं देंगे। ये विद इन इन्वर्टेड कामाज मैं कह रहा हूँ, वो अंग्रेजी में, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि उनका भाषण अंग्रेजी में लिखा जाता था, बोले वो अपने उसमें थे और वो उपलब्ध है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन वो धर्म के तो धर्म का, और ये सही भी है, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में नहीं जानेंगे तो उनकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं जानेंगे, अपने धर्म के बारे में ही हम नहीं जानते हैं। अगर यही बता दिया उसी से हम अगर अनभिज्ञ हैं तो हम दूसरे को ना समझने में हमें उसकी कोई क्षमता रहेगी, और ना हम कोई अगर कोई बात करना चाहते हैं तो वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो भी नहीं कह सकते, और दूसरों के में क्या अच्छा है बुरा है वो तो फिर हमारे जानने का प्रश्न ही नहीं। ये इसमें तो ये नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि कुछ भ्रांति डॉक्टर तिवारी ने जो प्रश्न किया वो सही है, जो टिप्पणी की उसमें भी, मगर उसमें भी मैं समझता हूँ कि जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने भी वो अपनी सीमाएं थोड़ी व्यक्त कर दी थी, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ जो नव जागरण का जो प्रक्रिया हुई, और उसमें केवल एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दो प्रकार की प्रवृत्तियां या धाराएं हम अब देखते हैं। एक धारा तो जो थी वो थी कि जो वेस्टर्न या पश्चिम सभ्यता से उसकी प्रतिक्रिया या उससे अधिक अभिभूत थी, और वो जैसे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज आदि, और इसीलिए आप ये देखते हैं कि इनका प्रभाव इस समय देश में ना के बराबर है जनता में। बौद्धिक रूप से कुछ है
लेकिन जनता में उसका प्रभाव ना के बराबर है। वह उसके विपरीत स्वामी दयानंद या परमहंस रामकृष्ण, उन्होंने को जो को वो अंग्रेजी से अवगत नहीं थे, केवल भारतीय जो भारतीय शास्त्र थे उनके अनुसार अपने विचार रखे और प्रस्तुत किए। तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं थी। तो एक दो धारा थी कि जो आधारित थी जो पश्चिम से जो आया हुआ था, या जिसको जो कि उस समय इंडोलॉजी के रूप में एशियाटिक सोसाइटी इत्यादि जो इसकी बॉम्बे में भी थी, कलकत्ते में भी थी, बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, जाने की जरूरत नहीं है, उनको वो उभर रहा था। और उसके साथ ही साथ दूसरी ये प्रक्रिया थी वो कि जिन्होंने अपने धर्मशास्त्रों के आधार पर कुछ को वो आर्ष और अनार्ष, वो अब ये भी विवाद का इस समय समय नहीं है, लेकिन इन्होंने वेद को जिस रूप में देखा और उन्होंने जो वेद का कि अग्नि जैसे आपने जो अलग अलग देवता हो, वो भी मैं समझता हूँ कि उस समय का जो 19वीं सदी का एक वातावरण था जो कि जो आपने ईसाई मिशनरियों की तरफ संकेत भी किया कि ये जो जिस तरह की आलोचनाएं हो रही थी उसमें ये था कि ये तो सब वेद जो हैं वो गरड़ियों का ये जो, और हम मोनोथिस्ट नहीं है, हर चीज को हम भगवान मानते हैं। अब उसके पीछे दर्शन क्या था इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। तो उसको मैं समझता हूँ उसका सामना करने को काबिल करने के लिए कि वो कि मोनोथिस्ट हैं या हम एक या बहुदेववादी हैं इत्यादि इत्यादि जो प्रश्न थे, उस आलोचना से बचने के लिए, सामना करने के लिए एक सिद्ध रूप से वो उन्होंने ये करने की मैं कोशिश की। लेकिन दो धाराएं हैं ये, उस समय भी कुछ वो दूसरी धारा कुछ कमजोर थी उस समय, लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे वो अधिक, इसीलिए आप देखते हैं कि आर्य समाज अभी भी वो जागृत है और रामकृष्ण मिशन भी तरह तरह से अपने विकसित हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में किसी रग को वो उनकी वो छूता है और उस लिए हम उनको मैं समझता हूँ कि मैं आपने कहा वो भी जैसा तिवारी जी ने कहा, मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो रिचुअल वो कहते हैं या एक रिचुअलिज्म जो अब स्वयं वो कल्ट बना दिया है, उस कल्ट में वो, और मैं समझता हूँ कि वो जो है वो उसके कारण बहुत सी ये कठिनाइयाँ आ रही हैं। क्योंकि मैं भी कभी कभी जाता रहता हूँ, जो आता है क्योंकि चाहे वो एक राजनीतिक नेता के रूप में देश को स्वतंत्र कराने की जो उनकी चेतना जिस तरह से उन्होंने दी, जिसके संबंध में हमारी नई पीढ़ियाँ बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो और चाहे उनका दार्शनिक रूप या उनका साहित्यिक रूप, वो मैं समझता हूँ आकर्षित करता है और जाता है जाता। तो ये दोनों धाराओं की तरफ ध्यान, लेकिन मैं जो मुख्य जो उनका जो ध्येय ये था और मैं समझता हूँ वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने संक्षेप में किया कि हमारे जो शास्त्र थे, एक तो जब शास्त्र की आप बात करते हैं तो वो डिसिप्लिन, अंग्रेजी में हम उसको डिसिप्लिन भले कहें, लेकिन तुरंत ये कहा जाएगा कि फिर आप हिंदुत्व को या हिंदुइज्म को या उसको आप थोपना चाहते हैं आपकी मानसिकता में। यही नहीं, धर्म को तो छोड़ दीजिए, अच्छे जो सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, वो तो कम से कम बच्चों के सामने लाए जाएं, या जिनको कि हम वैल्यूज मूल्य कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, वो तो उनको किसी तरह से और किस तरह से, खाली पढ़ाने की ही चीज नहीं है वो, जो बात को आपने कहा कि व्यवहार में लाने के लिए, व्यवहार में किस तरह से लाया जाए वो, मगर उसको भी आज तक लागू करने में कठिनाई है। यानी एनसीईआरटी में जब कुछ पुस्तकें बनी उनको भी छोड़ दीजिए, अगर ये जो सरकार के कहने पर कॉन्फ्रेंसेज हुई और वैल्यूज के बारे में, मूल्यों के बारे में उनके उसको भी स्वीकारा नहीं गया और गलत, बल्कि एक पुस्तक तो जो छपी एक बार थी उसको दोबारा छापने की मिस्टर अर्जुन सिंह ने, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, उन्होंने उसके लिए
वो ये आदेश दिया कि अब इसको छापने की भी जरूरत नहीं है। तो जब हम खुद इस तरह से उसी मानसिकता से ग्रस्त रहेंगे तो ये हमारे लिए कठिनाई होगी। आपने ये भी कहा क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र शास्त्रों में जो है जो वो कुछ जो हैं वो आप कहें कि पूरी तरह से वो धर्मशास्त्र हैं, लेकिन अन्य क्योंकि आखिर पूरा जो 7000 का हमारा जी के का जो इतिहास है वो जीवन के अंग अन्य अंग भाग हैं, अन्य पक्ष हैं समाज के, उनसे भी वो डील करता रहा है या उसकी भी समस्याएं हुई, और इसी वजह से और सब जात राजनीति शास्त्र जो जिसकी हम आप बात करते हैं, अर्थशास्त्र इत्यादि, और उसमें कठिनाई यही है जो उन्होंने डॉक्टर तिवारी के के जो जो ने जो प्रश्न या टिप्पणी उठाई उसके का स्पष्टीकरण देते हुए, कोई प्रत्युत्तर उन्होंने नहीं दिया, उसको स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिक्कत है कि हम आज कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी पैराडिसिप्लिनरी इत्यादि की बात करते हैं, लेकिन वो सीमित रह जाता है उसी में, क्योंकि हमने भाषा को डेड लैंग्वेज मान लिया। और जब दूसरे आजकल ये सही है, इसराइल, जापान और जर्मनी निरंतर कोशिश कर रहे हैं अलग अलग स्थानों में जाके, जहाँ पर कि हमारे ये शास्त्र बनारस मुख्यतः और पुणे इत्यादि में जाकर वहाँ के लोग उसको उसकी कॉपियाँ बना रहे हैं, प्रतिलिपियाँ बना रहे हैं और उसको अपनी अपनी भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि वो जाते हैं वो जानते हैं कि आखिर जो इतना देश इतना समृद्ध था और वो केवल धार्मिक आधार के ऊपर नहीं, अगर उसकी संस्कृति और सभ्यता और सभ्यता के पीछे भौतिकता का प्रश्न होता है, जो जो कल्चर या संस्कृति है वो कुछ मस्तिष्क की या जिसको कहें कि गुड्स ऑफ द माइंड गुड्स ऑफ द हार्ट कह सकते हैं, लेकिन जो सिविलाइजेशनल जो एक्सप्रेशन होता है या जो उसका प्रस्फुटन जो होता है वो होता है जो हम भौतिक रूप में अपने सामने भव्य मंदिर देखते हैं भव्य, तो वहाँ पर भारत में हमेशा समन्वय का प्रश्न रहा। और जो एक प्रश्न उठाया सैनी जी ने सर्व सर्व सर्वधर्म संभाव, वो तो हमारे यहाँ ऋग्वेद से ही प्रारंभ हो गया कि जहाँ जहाँ से भी हमें अच्छी चीज मिले उसको हमें ग्रहण करना चाहिए आगे के लिए निरंतर हर जगह। और इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का या कंपेरेटिव रिलीजन का प्रारंभ था कि भाई हम वाद विवाद करें झगड़ा नहीं करें, ये जो करने का है तो तुरंत। लेकिन सवाल यही है कि हम ग्लोबलाइजेशन का जो प्रारंभ से ही उन्होंने कहा कि जो हमारे ये डाइवर्सिटी या विविधता की हम बात करते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में आप देखते हैं कि वो विविधता समाप्त हो रही है, वैसे भारत के लिए वो अपेक्षित करते हैं, लेकिन अगर वैश्विक दृष्टि से आप देखें तो वो एक ही तरह का खाना मैकडॉनल्ड का खाना, कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं मैकडॉनल्ड की बुराई करता हूँ नहीं, यहाँ पिज़्ज़ा या और तरह की चीज़ें या जीन्स या एक ही तरह के कपड़े, जीन्स खराब नहीं मैं नहीं कहता कि उसका, लेकिन एक ही तरह का जो लोग दुहाई देते हैं विविधता की कि भारत में आप विविधता कायम रखिए, वो परोक्ष रूप में और प्रत्यक्ष रूप में थोप रहे हैं अपनी विचारधारा और उसी तरह से। तो ये भी जो आपने कहा कि हमारे शास्त्र जो थे वो खाली इंडोलॉजी का ही तक उनका काम जो है, जो शास्त्र जो है वो खाली इंडोलॉजिस्ट ही पढ़ेंगे, ये कह के भी एक भ्रम हमारे ये उत्पन्न किया गया। और उसी तरह से आपने इतने अलग अलग धर्मवेद शास्त्र व्यवस्था इत्यादि की बहुत, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी जो विचारधारा रही है उसी जैसी, और जो वाचिक परंपरा का आपने श्रुति और जो वाचिक परंपरा का हमारा ध्यान है उसको जो रखा है वो सब हमारी समझ में। और आपने तीन स्टेजेस बताया, चार स्टेजेस बताने की भी कोशिश की है उन शास्त्रों को किस तरह से हम अपने जो नई सोच, जो आज भाषण का एक ये था कि शास्त्र और आधुनिक शिक्षा में नई सोच, उसको लाने की उन्होंने चेष्टा की है, चार हमारी स्टेजेस बता के
एक्स्ट्रा करिकुलर और इत्यादि, तो मैं समझता हूँ कि व्यवहार में किस तरह से किया जाए वो उदाहरण के रूप में किया, मैं समझता हूँ कि उसकी और अधिक व्याख्या होने की आवश्यकता है और जो शिक्षा शास्त्री हैं उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए, मगर उनके लिए वो तभी संभव होगा कि जब, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा अंत में कि हम समृद्ध भारत या मेक इन इंडिया जो आज के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है उसको भी वास्तविक रूप से हम कार्यान्वित तभी कर सकेंगे जबकि इसको पूरा करने के लिए हम अपनी पुरानी जो धरातल हमारी जो बौद्धिक है उसको हम जब तक उसका उचित प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा जो समन्वय और परिवर्तन जो ये तो दोनों अंग भारतीय जो संस्कृति के भी और भारतीय चिंतन के भी वो रहे हुए हैं, और इसी वजह से जो अच्छा है हम उसको ग्रहण करेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, ये आपने ये कहा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज का भाषण बहुत सारगर्भित और बहुत से नए नए प्रश्नों के हमें उत्तर देता है और कुछ ऐसी बातें की तरफ हमारा ध्यान दिलाता है जिनके की तरफ हमें अधिक से अधिक और विचार करना। डॉक्टर गुप्त का आप सबकी ओर से अपनी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, और वैसे औपचारिक रूप से तो अवस्थी जी और जो अधिकारी हैं वो धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद और नमस्कार। अनुशीलन अनुपालन करना हम सब लोगों के लिए आवश्यक है, किस तरह शास्त्रों का ज्ञान हम दूसरे लोगों तक समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचा सकें इसके लिए सबने प्रयत्न करना चाहिए, इसके लिए हम सब लोग विशेष आभारी हैं गुप्त जी के, और यहाँ सभी उपस्थित लोगों का विशेष आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिन्हें जो परंपरा स्थापित की है उसको पुनर्जीवित रखने की चेष्टा कर रहे हैं।